हे गाइस, तो हम राजगिरी वन्य प्राणी सफारी में आ चुके हैं और ये हमारा एंट्री गेट है, देख सकते हो आप यहाँ पे। और ये मैं आपको ये बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ, हमारे बाहर ये बाहर का व्यू। इसका मेन एंट्री गेट है वहाँ से अंदर से जो। और टिकट काउंटर पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़। मैंने ऐसा भीड़ कभी देखा नहीं था और मैं बाहर आके वीडियो बना रहा हूँ। और देखते हैं हमारे को टिकट मिलती है या भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन टिकट सारे बुक हो चुके हैं। किस्मत रही तो ही टिकट मिलेगा, अदरवाइज़ हमें जू वगैरह घूम के जाना पड़ेगा। और मिलते हैं ग्लास बीच पे और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये एंट्रेंस है यहाँ का। संदीप हो, संदीप देखो, संदीप भी बाहर आ चुका है भीड़ के कारण। संदीप कुछ बोलना चाहोगे? चलो यहाँ पर फोटो खींचते हैं। राजगीर वर्ल्ड वाइल्ड स्टार्ट पॉइंट, राजगीर वन प्राणी सफारी का नज़ारा लेते हुए चलते हैं। तो कुछ बोल दो यहाँ पे, आओ ये लो। अच्छा, इसमें तो ये देखिए, हम लोग ये पार्क के अंदर एंट्री मार चुके हैं और बवाल सीन अभी अंदर आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। ये कैमरामैन फैमिली के साथ, कैमरामैन हेलो फैमिली के साथ आपको बहुत ही नज़ारा शानदार दिखाएंगे एकदम। कैमरामैन दीपक और संदीप के साथ, ठीक है। इसमें हंसने वाली बात नहीं है, राजगीर वर्ल्ड वाइल्ड सफारी दिखाएंगे अभी बहुत अच्छे तरह से। बैक कैमरा करो, दिखा। और ब्रिज के ऊपर हम जाते हैं, सबसे पहले आपको व्यू दिखाएंगे। दिखाएंगे वो बड़का ब्रिज पे, दिखाओ पीछे का कैमरा। यहाँ से 6 किलोमीटर चलने के बाद या फिर हमें गाड़ी करना पड़ेगा, देन हम जाके वहाँ पर पहुँचेंगे। ओके, अभी फिर मिलते हैं ग्लास ब्रिज के पास हम लोग कैमरामैन दीपक और संदीप के साथ। छोड़ेंगे तो संदीप, आपको इस धूप में कैसा लग रहा है? बहुत बहुत ही घटिया लग रहा है। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हम आपको ग्लास ब्रिज पे, ठीक है। अब हम लोग चल दिए ग्लास ब्रिज की ओर। और प्रवीण कैसा लग रहा है आपको यहाँ बैठ के? बैठ के कुछ चल नहीं रहा, फाइनली हम पहुंच ही गए। कह रहे हैं मतलब हम 4 घंटे से बाहर वेट कर रहे थे और ये हमारी बस है। देखो बहुत ज़्यादा थक गया और हम घूम भी नहीं पाए, और मेरे 5 बजे की ट्रेन भी है। ये बस में हम सारे एक साथ जा रहे हैं और ये यहाँ का रास्ता। अबे हाँ, ये देखिए हम लोग बहुत ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, दिखा सकते हैं आगे, आगे दिखाओ, ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। और ये और खड़खड़ाते हुए बस खड़खड़ाते हुए चल के और ग्लास ब्रिज के पास हम लोग को छोड़ेगी ये बाई बस। और आगे आपको दिखाते हैं, ब्लॉक में बने रहें। और अभी गेट से अंदर आए और जा रहे हैं अंदर। और जा रहे हैं रास्ता हमारा, और पूरा जग देखिए, ये हमारा टिकट। अरे हम सारे और दो लोग, लग रहा है कि गाड़ी में फ्यूल लेना पड़ेगा, लग रहा है ऐसी फ्यूल लेना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है गाड़ी अचानक रुक रोड फिर और स्टार्ट हो गया और फिर हम जा रहे हैं क्लास ब्रिज की ओर। हाय करो संदीप, बस दिखा हम पहुंच गए हैं। ये हमारी बस है, इसके अंदर से हम अभी आए और ये हमारे एंट्रेंस के गेट है जो कि देख सकते हो आप। फिर से एंट्री, यहाँ फिर से एंट्री होगा। तो ये देखो हाथ, जो कि जो भी घूम के आ रहा है वो ऐसे कर रहा है, मज़ा आ रहा है, यहाँ पे करना अनिवार्य है। और कुछ बोलना चाहोगे?
टिकट लेना पड़ेगा यहाँ से फिर, और कुछ तो बोलना नहीं पसंद करेंगे। बोल बोल, अब क्या करना है? ये टिकट, अब हम लोग पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से ग्लास ब्रिज का टिकट लेंगे, भीड़ चलाएगा, पैसा दो। और ये देखिए दीपक टिकट कटाते हुए, टिकट हमने ले लिया है, टिकट जो टिकट हमने ले लिया है, फिर से मारो इस पे मुंह पे धड़ाक से दम। टिकट टिकट के टिकट से हम बिक चुके हैं, बहुत ही ज्यादा महंगा टिकट हो रहा है यहाँ पे। हमने 5,000 कम से कम टिकट ही टिकट लिया है अंदर जाने का, और पैसा 50 रुपये लेके आ रहा है। बहुत ही शानदार नज़ारा है, बाकी आगे में ब्लॉक में बने रहिए, आगे का नज़ारा दिखाते रहेंगे आपको। घेरा बना हुआ, हम लोग चल पड़े हैं ग्लास ब्रिज की ओर, और ये देखिए पतंग हम लोग उड़ाते हुए चल रहे हैं आगे वाला जैसा मैं। और ये देखिए दीपक को, हेलो, कुछ बोलना चाहोगे दीपक? तो गाइस हम जा रहे हैं ब्लॉगिंग करते हुए, बोलो ब्रदर ब्रदर सारे लोग बोलो, हेलो फैमिली, बोल हेलो फैमिली, वेलकम भाई और ब्लॉग। और ये देखिए 2,500 का चश्मा है, इसको मैं बहुत संभाल कर रखा था उस रात के दिन से, ताकि आज तक काम आए ग्लास ब्रिज के दिन। तो हम लोग ग्लास ब्रिज फाइनली पहुंचने वाले हैं 5-10 मिनट में, फ्यू सेकंड में, बने रहे ब्लॉग में। ये देखो सबको प्यास लगी है, अबे जो पूछ रहा हूँ वो बता ना, कैसे पीने लगा दीपक को देखो, पानी बहुत खा रहा है यहाँ का, ठंड है बहुत। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, हमारा ब्लॉग में बने रहे और आगे का नज़ारा दिखा रहे हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा है, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और अभी हम लोग ले तो हम फोकस थोड़े आगे चलो, फोकस कैमरामैन दीपक कुमार फोकस करो। अभी हमें कम से कम 500 मीटर आगे और जाना है, उसके बाद हमें लाइन लगवा रखा है, सॉरी ब्रो। जाए खातिर बारी बारी से जाएंगे हम लोग, सबकी बारी, अगली बारी हमारी बारी, समझ गया, बोलो हरी हरी चलता है। बहुत ही आनंद कर रहे हैं यहाँ पे वीडियो में, और हमारे मैं आपको किसी से मिलवाने वाला हूँ, और चश्मा तो अच्छा लग नहीं रहा यार, संदीप तो विधायक तो ना है, विधायक के कहता हूँ भाई, हमारे पर्यटक लोग घूम के ऊपर से आ रहे हैं, और मैं किससे पूछता हूँ कैसा लगा आपको ऊपर? कुछ भी ना, ऊपर इससे अच्छा तो मेरे घर में है, जीने अच्छे घर में। सुनो तो कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ, तो ऊपर क्या लगा आपको? बिल्कुल अच्छा बना रखा है, काफी अच्छा बना रहा है। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से मैं भी हूँ, तो थोड़ी बात और करो। तो उन्होंने बात किया नहीं क्योंकि उनकी मम्मी मारेगी ऐसा कह रही थी, तो चले गए, कोई बात नहीं, कोई और आया तो हम उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे ऊपर क्या नज़ारा था और कैसा उनको लगा, और उसके बाद हम जाएंगे तो हम अपना क्या देंगे, सजेशन देंगे कि ऊपर का आपको यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा टिकट 5,000 रुपये लग गए यहाँ पे आने में। और बैठे बैठे यार की लोग बैठे खत्म कर दो लोग तो भाई, ये कुछ बोलेगा? हां भाई बैटरी है, मैंने कहा तो बोला बहुत अच्छा जगह है घूमने वाला, यहां पे हम सभी लोग को बोलेंगे आके घूमो। 75 जगह टिकट कटवा, ये समझ बड़ा गाड़ी हो नहीं हो कहा, बोलो भाई यहां पे बहुत दिक्कत है टिकट कटाने पर 5 जगह, लेकिन उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब मैनेज हो जा रहा है, यहां पर लाट पैरी के काम है और मजा आना चाहिए बस, ठीक है। तो किसी पर्यटक को पकड़ते हैं, हम वेट कर रहे हैं किसी पर्यटक की, भाई कौन ये ऊपर से तो आने किसी को ऊपर से आया है फिर दोबारा जाएगा। तो हमारी एंट्री होने वाली है गाइस, ये गाइस हमारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, और मिलते हैं आपको अंदर, अंदर तो आई गए लगभग। तो गाइस इंतजार की घड़ी खत्म, और ये देखिए हम अंदर, और यहाँ का नज़ारा है जो कि ये बिहार का नज़ारा है हमारे, जो कि आपको कोई दिखाएगा ही नहीं। और ये देखो यहाँ पे लोग बाग अभी फोटो शूट कर रहे हैं, संदीप आ जाओ
यहाँ का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा मतलब हेक्टिक रहा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है आके। और ऐसा लग रहा है कि नीचे मतलब पूरा सेपरेट ग्लास है, ये देखो। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि अगर कोई नीचे गया तो भाई जान हानि हो जाएगी उसकी। और इधर का ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे आके, बहुत ही ज्यादा। या वहाँ मात्र एक फोटो लेकर के बाहर निकलिए, वहाँ खड़ा मत रहिए। पीछे बढ़िए ना, पीछे बढ़िए। चलिए बाबू मैडम बढ़िए, पीछे पीछे बढ़िए जी, पीछे बढ़ के लीजिए। ये देखो नीचे क्या, और आगे बढ़िए तुरंत तुरंत।